तो गाइस सामने तुम लोग देख सकते हो RC22 की टीम को मैंने मेल भेज दिया है और इस मेल में मैंने लिखा है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए क्या कैरियर मोड RC22 में आ रहा है और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है और सिर्फ 5-10 मिनट में रिस्पांस आ जाएगा। यार 90,000 प्लस सब्सक्राइबर किस लिए हैं? 2 hours later बस थोड़ा सा समय और यार बस 2 मिनट और 2 days later शिट यार 2 दिन बीत गए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरी ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी यार ये तो टट्टी है। आई होप दैट यू विल गिव रिस्पॉन्स टू दिस ईमेल टूटा हुआ साज हूँ मैं यस आ गया भाई रिस्पॉन्स RC22 की टीम की तरफ से और लिखा है कैरियर मोड RC22 में। तो गाइस RC22 का जो लास्ट अपडेट आया था वो जनवरी महीने में आया था तब से लेकर अब तक एक भी नया अपडेट नहीं आया है लेकिन RC22 टीम को जो मैंने मेल भेजा था उसमें जो रिस्पांस आया अगर मैं तुम लोगों को बता दूं तो भाई तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि वो लोग अपने नए फीचर्स रिवील नहीं करना चाहते लेकिन कुछ फीचर्स जो कि उन्होंने कहा है कि हम बता सकते हैं। और तुम लोगों को RC22 को लेकर कई सारे सवाल होंगे क्या कैरियर मोड आएगा क्या क्या न्यू फीचर्स हो सकते हैं तो सब बताऊंगा यार मैं किस लिए हूँ बस वीडियो को पूरा देखना है तुम्हें। और अगर तुम्हें गेमिंग से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल का एक सब्सक्राइब बटन है जिसे तुम दबा सकते हो और उससे मुझे काफी खुशी मिलेगी और सबसे अच्छी बात वो बटन फ्री है बिल्कुल तुम उसे कितना मर्जी दबाओ। तो गाइस 3 new features जो कि RC22 के नेक्स्ट अपडेट में आ गए तो RC22 बेस्ट मोबाइल क्रिकेट गेम बन जाएगी और दूसरी कोई भी गेम उसके आसपास भी नहीं रहने वाली। तो सबसे पहला फीचर है वुमेन्स क्रिकेट जो कि WCC3 में बहुत पहले से ही आ गया था और वुमेन क्रिकेट इंडिया में काफी ज्यादा प्रमोट भी हो रहा है इससे RC22 को काफी सारे फायदे हो सकते हैं उनके डाउनलोड्स बढ़ सकते हैं क्योंकि गर्ल्स भी इस क्रिकेट गेम की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो दोस्तों ये तो था पहला फीचर लेकिन दूसरा फीचर जो कि RC20 में था लेकिन यार RC22 में वो नहीं आया जिस वजह से हमें काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई जिस कारण RC20 खेलने वाले कई लोग RC22 को खेलते ही नहीं है और वो फीचर है फ्री में IPL टीम्स के साथ खेलना एंड अदर टूर्नामेंट्स की टीम के साथ खेलना जो कि RC20 में था लेकिन RC22 में वो पेड हो चुका है वो भी पूरी तरह से जिससे कि बहुत से गेमर्स अभी भी RC20 को खेलते हैं बजाय RC22 के। तो गाइज हमें पता है RC22 और WCC3 एक बहुत ही तगड़े कॉम्पिटिटर है दोनों के बीच बहुत तगड़ी टक्कर चलती है कभी RC22 आगे होती है तो कभी WCC3 लेकिन ये कॉम्पिटिशन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है अगर RC22 WCC3 का एक फीचर अपने अंदर ला दे वो है कैरियर मोड और प्लेयर्स की कस्टमाइजेशन। तो गाइज अगर आपको ये सभी फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी जिससे कि उन्हें पता चले कि ऑडियंस को क्या न्यू फीचर्स चाहिए RC22 के अंदर। आज के लिए इतना ही और उस लाल वाले बटन को दबाए बिना जाना मत।